नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसी तैयारी आपकी चल रही है? जी हाँ, मैं टीटर प्लस बी के बारे में ही बात कर रहा हूँ। चाहे आप नर्सरी टीचर की तैयारी करें या आप पीआरटी टीजीटी पीजीटी कोई भी पोस्ट हो आप लोगों की, कोई भी एग्जाम हो आप लोगों का, आप देख रहे हैं पूरी टीम है यहाँ पर। और आप लोगों के ही जो डाउट बने रहते हैं वही मैं पूरी टीम के साथ अभी यहाँ डिस्कस करूंगा, और आप लोगों की तैयारी को एक सही दिशा हम दे पाएं इसी को लेकर के यह वीडियो आपके लिए हम लेकर के आए। और सबसे पहले हम चलते हैं हिंदी वाले जो हमारे साथी हैं, शिक्षक हैं, उनके पास में। अविरल सर, जी हिंदी हमारी राजभाषा है, राज्य भाषा है, कौन सी भाषा है या सर, राष्ट्रभाषा है? हाँ जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंदी के बारे में सर बात किया जाए तो जब संविधान लागू हुआ तो उस समय ये था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाई जाए। लेकिन राष्ट्रभाषा बनाए जाने के लिए दो तीन चीजें सर फैक्टर काम करते हैं, जिसमें ये है कि संवैधानिक तरीके से और लोगों के लिए दोनों तरफ से, मतलब उस पूरे क्षेत्र के लोग हिंदी को जानते समझते हो। अब उस समय तो ये संभव नहीं था, उस समय सारे काम इंग्लिश में हो रहे थे। तो उस समय ये किया गया कि भाई ठीक है, अभी हम हिंदी को राजभाषा यानी कि कार्य के लिए भाषा यूज करते हैं। लेकिन एक समस्या और थी सर, क्योंकि अभी तक का काम इंग्लिश में हो रहा था, तो किया क्या गया कि 10-15 सालों तक, शुरुआत में जी 15 सालों के लिए अंग्रेजी को रखा गया कि भैया अगले 15 सालों तक ये सहायक भाषा रहेगी और हिंदी राजभाषा, यानी कि हिंदी इस समय राजभाषा है और अंग्रेजी सह कार्यालयी भाषा यानी कि राजभाषा के सपोर्ट में रहेगी। लेकिन फिर सब वो हुआ ही नहीं कि खत्म हो, और हर बार 10 साल 10 साल बढ़ती आ रही, और आज भी हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो हिंदी अभी जो है केवल राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। और ध्यान रखना दोस्तों, राष्ट्रभाषा बनने के लिए किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में वहां के रहने वाले लोगों के लिए वो भाषा बोली समझी और लिखी जाए, और खासकर संविधान में भी उसको मान्यता प्राप्त हो, तभी राष्ट्रभाषा बन पाएगी। और आपको पता है कि अभी कुछ राज्य हमारे यहाँ विरोध में है इस बात के लिए। हिंदी की दुर्भाग्य, हिंदी का दुर्भाग्य है कि अभी तक ये राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई सर। साथियों देखिए, सर ने बहुत बढ़िया से समझाने का काम किया है। अब हम चलेंगे आपके एग्जाम के लिहाज से सर से बात करने की ओर। सर, ये हमारे जितने भी साथी हैं जी, ये डिट प्लस बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबका एग्जाम अलग अलग हो सकता है, कोई नर्सरी, कोई पीआरटी, कोई टीजीटी पीजीटी स्पेशल एजुकेशन, अलग अलग एग्जाम वाले हो सकते हैं, लेकिन हिंदी तो सबके पेपर में आती है, 20 प्रश्न आते हैं। बिल्कुल, तो हिंदी की तैयारी कैसे बेहतर हो सकती है, कुल मिलाकर बात यही है। बिल्कुल सर, बढ़िया प्रश्न है। दो चीजें कहूंगा। पहले तो सर एक बार अभी अभी डीटी प्लस बी, जैसा कि डिटेल्ड में थोड़ा सा इन्होंने सिलेबस जारी किया, इसके पहले इन्होंने किसी का भी नहीं जारी किया था। तो अभी जो सेकंड पेपर है उसके लिए भी काफी आसान हो गया। मैंने देखा बच्चों ने, देखा बताया मैंने बच्चों को कि पूरा टॉपिक वाइज और टॉपिक में सब सेक्शन भी थोड़ा सा मेंशन कर दिया कि कहाँ कहाँ क्या पढ़ना है। रही बात पेपर वन की, तो सर जो 20 प्रश्न आने हैं उसमें बेसिकली ग्रामर के प्रश्न आते हैं और पैराग्राफ आते हैं, जिनके लिए सबसे अच्छा यह है कि आप कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें, पेड बैचेस ज्वाइन करें, या फिर जैसे भी आप पढ़ रहे हो उसमें सबसे मेन चीज है कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि सर डी ट्रिपल एस बी जितने भी सर टीचिंग एग्जाम होते हैं, सबसे अच्छे लेवल का अगर कोई एग्जाम है तो वो डी ट्रिपल एस बी। देखो, मैं भी आपको हमेशा यही कहता हूँ ना कि हमारे देश में टीचर बनने के लिए जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें सबसे मुश्किल और सबसे बढ़िया लेवल का जो पेपर है वो डी ट्रिपल एस बी का। बिल्कुल सर, अविरल सर भी सेम बात कह रहे हैं। तो सर ने बता ही दिया कि बढ़िया तैयारी आप लोगों की हो सकती है, लगातार आप लोग अपनी स्ट्रेटजी बना करके अपनी प्रिपरेशन करेंगे। अभी जो हमारे गणित वाले शिक्षक हैं, साथी हैं, जमा घटा गुणा भाग यही सब हमें सिखाते रहते हैं, देखिए कितने सीरियस होकर बैठे हुए हैं। सर देखो, जैसे कि मैं इनका शिक्षक हूँ और ये मेरे छात्र हैं, और जब गणित का शिक्षक कॉपी चेक करने के लिए आता है तो मैं और आप डरा करते थे ना, ऐसे डरे हुए से बैठे हैं। सर हम कॉपी चेक नहीं कर रहे हैं, और हम आपके शिष्य हैं, आप हमारे टीचर हैं, तो गणित की तैयारी अच्छी कैसे करें? देखिए सर, अपने विद्यार्थी से बस ये बात कहना चाहूंगा कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपको उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपके लिए एग्जाम में जो क्वेश्चंस की वैरायटी है वो बहुत ज्यादा है। एग्जामिनर जो है क्वेश्चंस को बहुत घुमा घुमा कर पूछता है। मैं अक्सर विद्यार्थियों से ये देखता हूँ कि सर मैथ्स नहीं हो पा रहा है, मैथ्स बहुत वीक है, मन नहीं लग रहा है, कैसे करें? तो आपको बस मैं ये कहूंगा, अगर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो क्वेश्चंस आपको कितना भी बड़ा दे दे, कितना भी घुमा कर दे दे, आप उस क्वेश्चन को विद इन सेकंड सॉल्व कर पाएंगे। और मेरा हमेशा से सिर्फ ये अजय सर यही एक मोटिव रहा है कि विद्यार्थियों तक मैं वो सॉल्यूशन, वो हल पहुंचाऊं कि जिससे आपका समय बचे, क्योंकि आजकल का जो टाइम है ना, 5G का जमाना है, फास्टेस्ट, मतलब सबको सब कुछ जल्दी चाहिए। और एग्जाम में भी एग्जामिनर को ये चाहिए कि विद्यार्थी जो है प्रश्नों को जल्द से जल्द हल करे और एक्यूरेसी के साथ हल करे। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए तो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स पर काम करना पड़ेगा,
और उसके लिए मैं आप सभी के लिए मतलब तत्पर हमेशा जो है प्रयास करता रहता हूँ। आपको YouTube पे भी कंटेंट अवेलेबल है, पेड क्लासेस में भी अवेलेबल है, लेकिन मैं आपसे हमेशा ये बात कहना चाहूंगा जो अवेलेबल सर ने भी कही, अजय सर ने भी कही कि DSSSB का जो लेवल है बहुत अच्छा लेवल है, PRT TGT PGT बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। मैंने सर मेल फीमेल के जो पेपर्स वहां पर आते हैं वो भी मैंने देखा है कि ऐसा नहीं है कि फीमेल्स का आसान आ जाता है, मेल्स का मुश्किल होगा जैसे BPSC में दे दिया था, नहीं, DSSSB सबको एक जैसा रखता है। और फीमेल्स की कैटेगरी में अगर मैं बात करूं TGT के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैथ के पूछे जाते हैं। तो मैं आप सभी से ये कहूंगा कि अभी से आप लोग जुट जाइए, परीक्षा तिथि का इंतजार मत करिए, और जो भी YouTube पे मेरी क्लासेस चल रही हैं 12 बजे डेली क्लास में लेता हूं उसको रेगुलर अटेंड करें, और पेड बैच से अगर आप जुड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि वहां पर टॉपिक वाइज आपको सारी की सारी चीजें अवेलेबल कराई जाती हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, या कोई आप बुक को फॉलो कर रहे हैं तो आप और पेड बैच से भी जुड़े हुए हैं तो बुक से भी आप प्रैक्टिस करते चलें, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो भी बुक से प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन परफेक्ट, ठीक है, ये सभी के लिए है। साथियों सर ने यहाँ पर आप लोगों को ये तो बता दिया कि प्रैक्टिस हम लोगों को परफेक्ट बनाती है, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि परफेक्ट प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है। अगर आप लोग प्रैक्टिस वह करेंगे जो आपके एग्जाम से संबंधित नहीं हो फिर क्या फायदा ऐसी प्रैक्टिस का। और अभी हम चलते हैं उन साथी के पास जो आज के युग के हैं। आज के युग के मैं क्यों कह रहा हूं, हमको यहाँ पर वैदिक काल से हैं, आज का युग किसका युग है, टेक्नोलॉजी का, तकनीक का युग है, और तकनीक से जुड़े हुए व्यक्ति से अगर बात ना हो तो कैसे आपकी और मेरी मुलाकात हो। मेरे प्यारे साथियों ये हमारे लोकेश सर हैं, ना केवल EVS ना केवल साइंस बल्कि कंप्यूटर ICT इन सभी मुद्दों पर लगातार बात करते हैं। लोकेश सर जो हमारा DSSSB का पेपर होता है उसमें जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, और साथ में जो पार्ट बी सब्जेक्ट होता है ना उसमें भी वो ICT कंप्यूटर इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कैसे बढ़िया तैयारी, और ICT को लेकर के ना बच्चों को लगता है सारी रटने वाली चीजें, पागल हो गए रट रट के। नहीं एक्चुअली जब हम बात करते हैं पार्ट ए की कंप्यूटर वाले भाग के करेंगे तो देट विल बी कोर कंप्यूटर जो उसमें आप लोगों से पूछा जाएगा, रैम क्या है, रोम क्या है, और उतना ही नहीं फिर आप लोगों से वो RR ROM भी पूछेगा, ER ROM भी पूछेगा, EP ROM भी पूछेगा, EF ROM भी पूछेगा। एंड जब आप DSSSB के लिए तैयारी करते हैं तो आपको बहुत बेसिक नहीं पढ़ना है, आपको थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग लेनी है चीज़ों की। आप लोगों से बेसिकली वो कैलकुलेशन भी पूछता है, बाइनरी कैलकुलेशन भी पूछ लेता है कभी कभार, आप लोगों से सिंपली वो पूछ लेगा कि कंप्यूटर के फुल फॉर्म क्या है, लेकिन फिर आप लोगों से उसी में डीप लेके अगला क्वेश्चन वो बनाएगा कि बेसिकली कंप्यूटर की फुल फॉर्म किसने दी, ये क्वेश्चन बन जाएगा। कंप्यूटर में उसके जो क्वेश्चंस हैं वो लगातार चेंज होते हैं, और DSSSB की एक अच्छी बात है, अगर अजय सर इस बात में एग्री करें तो DSSSB कभी अपने सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, इसका मतलब वो हमेशा नई चीजों की तलाश में रहता है, और वो करंट अफेयर से भी आपके ICT में कभी कभी क्वेश्चंस डाल देता है। नई तरीके की कोई टेक्नोलॉजी आई है जैसे आजकल जेनरेटिव AI बहुत चल रही है, तो ये Gen AI के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जामिनेशन में। बात करूं पार्ट बी की तो पार्ट बी में कुछ लिमिटेड ही क्वेश्चंस होते हैं वहां पर, चूंकि आपको पता है कि वो हमें टीचिंग के एस्पेक्ट से देखने हैं, तो प्रोजेक्टर का काम क्या है, वो हमारे कंप्यूटर का काम क्या है, पावर पॉइंट का काम क्या है, वर्ड का काम क्या है, लेटर लिखने के लिए काम क्या है, उस वाले भाग में बेसिकली चले जाते हैं जहां पर हम टीचिंग टूल्स की तरह हम ICT को यूज करते हैं। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस जो पार्ट ए और पार्ट बी में हमें देखने को मिलता है। बट यस, अजय सर ने ऐसा कहा कि क्या इसे रटा जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, कंप्यूटर इज वेरी इजी जब तक आप उसे समझते हैं, कंप्यूटर इज वेरी डिफिकल्ट जब आप उसे रटते हैं। साथियों सर ने यहाँ पर कहा है कि अजय सर अगर माने तो एग्री करें तो इस बात के साथ में कि DSSB जो है वो क्वेश्चंस सेम रिपीट नहीं करता है। देखिए जो सिलेबस है उसमें से आपको प्रश्न दिए जाते हैं, लेकिन जो प्रश्न पिछली बार आया सेम वही प्रश्न, एग्जैक्ट वही प्रश्न अगले पेपर में होगा ऐसा नहीं। हाँ कंप्यूटर से वो प्रश्न आपको बना करके देगा, लेकिन ये थोड़ा जो पिछली बार दिए थे वही देगा, नंबर सिस्टम से वो आपको प्रश्न बनाकर हर बार देता है, टाइम एंड डिस्टेंस से हर बार देता है, रेशियो से, परसेंटेज से, एवरेज से हर बार देता है जी, लेकिन सेम थोड़े ना दे देगा। आप लोग देखें कि विलोम शब्द आपको हर बार दिया जाता है लेकिन सेम थोड़ा ना दे देगा। मेरे प्यारे साथियों
सभी शिक्षकों से हमने बातचीत की है, आप लोगों के कई सारे डाउट्स का आंसर आपको मिल पाया होगा। अब आपके मन में शायद ये बात हो सकती है, आप भी तो कुछ बता दो, बाकी से पूछते रहना, मैं आप लोगों को बताने के लिए जल्द आ रहा हूँ। जी हाँ, कुछ बड़ा आप लोगों के लिए प्लान किया जा रहा है, ऐसी गाइडेंस जो आपको कहीं भी नहीं मिल रही है, और जो गाइडेंस यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी वो आपकी इस तरह की गाइडेंस होगी जो कि एकदम फ्री रहने वाली है, कोई पैसा किसी को नहीं देना है। तो ये क्या होगी, किस तरह की गाइडेंस होगी, इसके लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार, आने वाले सप्ताह में मिलेंगे आपसे YouTube पर लाइव, और तब आपको बताएंगे क्या है ये मामला।